नमस्कार। आज मैं आपको न्यू फीमेल वायग्रा के बारे में बताने वाला हूँ। क्या औरत की सेक्सुअल इच्छा बढ़ा सकते हैं? जो औरतों को इच्छा ही नहीं है, सेक्स की बिल्कुल इच्छा होती नहीं है, अराउज नहीं होती है, क्या उनके लिए कुछ वायग्रा जैसे दवाई है? उसके बारे में हम बात करेंगे। हाइपोएक्टिव सेक्सुअल डिज़ायर मतलब सेक्स की इच्छा नहीं होना, ये बहुत औरतों में कॉमन है कि इच्छा नहीं होती है सेक्स करने की, फिर पति कर बोलता है करके ज़बरदस्ती करेंगे या बच्चे पैदा करना है करके करेंगे, तो फिर लोग बोलते हैं क्या वायग्रा दे सकते हैं हम औरतों को? तो यस, कुछ ऐसी स्टडीज़ है कि जिसमें सिल्डानाफिल 50 मिलीग्राम से 100 मिलीग्राम जो वायग्रा के नाम से प्रचलित है वो यदि औरतों को दिया तो उनके जो सेक्सुअल ऑर्गन्स है वहाँ ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और उनकी सेक्सुअल इच्छा बढ़ती है। ऐसा कुछ स्टडीज़ में है, मगर ऐसा डेफिनेटिव स्टडीज़ नहीं है। मगर फीमेल वायग्रा के नाम से दो दवाइयां हैं, दूसरी अदर दो दवाइयां हैं, एक है ब्रीमेलानोटाइड और दूसरी फ्लिबेंसरिन। ये दोनों दवाइयां फीमेल वायग्रा के नाम से फेमस हो रही है। अब ये क्या है ब्रीमेलानोटाइड? तो ब्रीमेलानोटाइड जो है ये इंजेक्शन के रूप में आता है, ये इंजेक्शन है, ये चमड़ी के नीचे इंजेक्शन दिया जाता है, 1.75 मिलीग्राम का डोज है और 45 मिनट सेक्स करने के पहले लेना है। इससे फीमेल की सेक्सुअल डिज़ायर अच्छी बढ़ जाती है। 24 घंटे में एक ही इंजेक्शन दे सकते हैं और महीने से ज़्यादा 8 इंजेक्शन दे सकते हैं, ज़्यादा देने का नहीं है क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। फिर ये किसको दे सकते हैं दवाई? जो औरतों को मेनोपॉज नहीं हुआ है, मतलब MC जो है महामारी बंद नहीं हुई है, चालू है महामारी, उनको दे सकते हैं। जिनको पहले अच्छा सेक्सुअल डिज़ायर था मगर अभी नहीं है उनको दे सकते हैं कि भाई पहले अच्छे था अभी 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 नहीं हो रहा है, तो उनको दे सकते हैं। 18 साल के नीचे वाली लड़की को दे नहीं सकते हैं ये फीमेल वायग्रा। और इनको पास हिस्ट्री कुछ भी नहीं होना चाहिए कि भाई उनको पास हिस्ट्री है कि इच्छा नहीं है, फिर पास में कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम है, ऐसे कोई पास हिस्ट्री नहीं होना चाहिए। यदि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, आपसी मतभेद है पति पत्नी के, तो ये फीमेल वायग्रा मतलब ब्रीमेलानोटाइड काम नहीं करता है। हेल्थ इश्यूज़ है बदन में, शरीर में प्रॉब्लम है तो, या मानसिक बीमारी है तो ये काम नहीं करेगा। और हाइपोएक्टिव सेक्सुअल डिज़ायर मतलब क्या है कि वो औरत कि जिसको कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी में इंटरेस्ट नहीं है, कोई भी सिचुएशन में उसको इंटरेस्ट नहीं, मतलब सिचुएशन बदल दिया, जगह बदल दिया, पार्टनर बदल दिया, कुछ भी उसको इच्छा ही नहीं है, तो वो है हाइपोएक्टिव सेक्सुअल डिज़ायर। और उसके लिए ये ब्रीमेलानोटाइड काम में आती है, 1.75 मिलीग्राम इंजेक्शन है। अब इसके साथ साथ फ्लिबेंसरिन है। फ्लिबेंसरिन दूसरी फीमेल वायग्रा करके पहचानी जाती है। ये गोली है, टैबलेट है, ये टैबलेट रोज रात को सोने के पहले लेना है और 4 से 6 हफ्ते लेनी पड़ती है। और इसका भी ब्रेन स्टिम्युलेशन करना और इच्छा शक्ति बढ़ाने के लिए फ्लिबेंसरिन ये टैबलेट भी काम में आती है। अभी इसमें ये दोनों का भी मतलब साइड इफ़ेक्ट्स है, जैसे नौशिया है, फिर फ्लशेस है मतलब स्किन गर्म हो सकता है, नौशिया है, या ब्लड प्रेशर डाउन होना, या चक्कर आना, ऐसा हो सकता है। इसलिए इंजेक्शन भी लेना है आपको ब्रीमेलानोटाइड का, तो ये सोने के पहले ही लेना है और सेक्स करने के पहले लेना है, गोली भी लेना है सोने के पहले लेनी है। तो ये USA FDA अप्रूवल है, मतलब अमेरिका में फूड एंड ड्रग जो डिपार्टमेंट है उन्होंने अप्रूव किया हुआ है ड्रग, और ये उपलब्ध है मार्केट में, तो ये आप ले सकते हैं। और आपके जो पार्टनर है उनको इसमें सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर सकते हैं, उनकी इच्छा जगा सकते हैं, जिनको बिल्कुल ही इच्छा नहीं है तो, क्योंकि हाइपोएक्टिव सेक्सुअल डिज़ायर ये बीमारी है, कुछ भी नहीं होते हुए भी इच्छा नहीं है, तो डेफिनेटली इंजेक्शन काम में आएगा और आपका वैवाहिक जीवन जो है वो सुखी हो जाएगा। दोनों भी दवाइयाँ ये फीमेल वायग्रा के नाम से जानी जाती है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ये लोगों को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।